ज़्यादा से घंटे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सौरव ब्लॉग्स। तो भाई आज फिर से आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो भाई अभी हम आधे रास्ते में पहुँचे और जा रहे हैं ड्यूटी के लिए। तो भाई जो भी यहाँ यूके में आ रहे हैं, मान लो नॉर्दर्न आयरलैंड में आ रहे हैं, बेलफास्ट में आ रहे हैं, तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ उन लोगों को भाई कि जैसे जो अकेले में आ रहे हैं तो यहाँ पर सरवाइव करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अकेले में कोई साथ होना चाहिए आपके कंपनी के लिए, क्योंकि जो अकेला बंदा होता है ना वो यहाँ पर आके ना अकेला महसूस करता है और फिर वो ये सोचता है कि मैं वापस चल जाऊँ, और कई ख्याल आते हैं उसके मन में। और कई लोग तो ऐसे भी है जो रिसेंटली जॉब छोड़ के भी चले गए इस वजह से। तो भाई जो कोई भी आ रहा है ना, मान लो कपल आ रहे या फैमिली आ रहे, तो ना उन लोगों को ना साथ में आना चाहिए ताकि क्या बोलते हैं वो सरवाइव कर सकें यहाँ पर इजीली। भाई जब आप लोग यहाँ पर आते हो ना तो होम सिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और घर की ना बहुत ज़्यादा याद आती है। तो उस वजह से ना मतलब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, या तो अपनी जॉब छोड़ के वापस चल जाते हैं और उनका मन नहीं करता यहाँ रुकने का। तो भाई मेरे साथ भी खुद ऐसा हो चुका है एक दो बार। तो और मैं अपनी पहले भी जॉब छोड़ के यहाँ से चला गया था होम सिकनेस की वजह से। तो भाई जो कोई भी आ रहा है तो पूरे पक्के मन से आए भाई, पूरे मतलब उससे आए कि हाँ रुकना है और स्टे करना है, और मान लो फ्यूचर में उनको कुछ करना है यहाँ पे, या चाहे परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, चाहे जो मर्जी स्टडी के लिए आ रहे। तो भाई पक्के मन से आना पड़ेगा और ये होना चाहिए कि हाँ टिकना है, 5 साल टिकना है यहाँ पे। कल मैं अपना वीडियो पूरा नहीं कर पाया था क्योंकि शाम को मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मेरा मन नहीं किया वीडियो बनाने का, और मैं सीधा आगे ना सो गया। यार थक जाते हैं, काम पर बहुत काम होता है और वीडियो बनाने का ना टाइम ही नहीं लगता है बिल्कुल, और मन भी नहीं करता है वीडियोस बनाने के लिए। तो भाई जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा है डॉक्यूमेंट्स के बारे में और कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा है, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो भाई मैं कल बात कर रहा था कि यहाँ पर क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को, मतलब जब यहाँ आते हैं। तो भाई होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है यहाँ पे। ठीक है, होम सिकनेस की वजह से लोग जॉब छोड़ के भी चल जाते हैं, उनका मन भी नहीं करता है काम करने को, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इतना ज़्यादा कि उनको एट द एंड जाना ही पड़ता है। तो भाई मैं यही सुजेस्ट करूँगा, जो कोई यहाँ आ रहा है तो वो इस तरह से प्लान करे कि उसकी फैमिली भी आ रही हो या कोई कपल आ रहा हो तो उनको सरवाइव करना आसान हो जाता है, क्योंकि कोई साथ में बात करने के लिए होता है, क्योंकि अकेला बंदा अकेला होता है भाई यहाँ, कोई किसी का नहीं होता है और बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना यहाँ पर। तो मान लो अगर फ्रेंड भी होते हैं ना तो यार सब अपने काम में बिजी रहते हैं यार, किसी के पास टाइम नहीं होता है। अब हमारे पास भी कब टाइम होता है, छुट्टी वाले दिन रेस्ट करते हैं हम, ठीक है, काम वाले दिन 9-10 बजे उठ के ड्यूटी जाते हैं, ठीक है, तो पूरा दिन वहीं चल जाता है और शाम को आते सो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर रूटीन ही ऐसा रहता है कि मतलब कि आपके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। हाँ छुट्टी वाले दिन आप कहाँ बाहर जाओगे, कुछ शॉपिंग कर लोगे या घूमने जाओगे, तो वो ही टाइम है, बाकी कुछ नहीं है। तो भाई जो कोई भी आ रहा है ना तो जैसे प्लान करे कि फैमिली आएगी तो उनके साथ ना टाइम बीत जाता है यार, अच्छा भी लगता है फैमिली हो साथ में। तो मैं तो यही सुजेस्ट करूँगा क्योंकि मेरे को तो बहुत साल हो गया ऐसे अकेले रह रहे के, तो थोड़ा मतलब मुश्किल भी हो जाता है, मतलब कई बार ये लगता है कि बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ मैं भी। तो भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में टाइम काटा है वो भी अकेले। तो भाई आज ये वाला वीडियो तो मैं यहीं ख़त्म करूँगा, ये तो स्ट्रगल के बारे में बताया कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब जब यहाँ पर आते तो क्या होती है।